Assalamu alaikum friends, I am Mohammed Daoud Kakar. Today we are going to learn about mood in English language. Lesson 23, mood. Number 1, the simplest use of a verb is to make a statement, a fact or ask a question. Verb ka sabse sada use kya hota hai ki wo kisi fact ke baare mein statement bayan hota hai ya koi question pucha jata hai. For example, I write to my father every week. स्टेटमेंट अफेक्ट है और नंबर टू में हु रोट दैट लेटर क्वेश्चन पूछा गया है नंबर टू बट अ वर्ब में आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड वर्ब को हम कमांड एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं फॉर एग्जांपल स्टैंड अप राइट नीटली इन दोनों सेंटेंसेस में वर्ब स्टैंड और राइट वो कमांड के लिए यूज हुए हैं नंबर थ्री और अ वर्ब में बी यूज्ड टू एक्सप्रेस अ मेयर सपोजिशन या महज एक मफरूजे के एक्सप्रेस करने के लिए भी हम वर्ब को यूज कर सकते हैं फॉर एग्जांपल इफ आई वर यू आई वुड प्ले क्रिकेट फुटबॉल इस सेंटेंस में सपोजिशन दिखाई गई है और वर्ब ने मैं सपोजिशन का रोल प्ले किया है दीज डिफरेंट मोड्स आर मैनर्स इन विच अ वर्ब में बी यूज्ड एक्सप्रेस एन एक्शन आर कॉल्ड मूड्स जो मुख्तलिफ अंदाज है मुख्तलिफ मोड है जिसमें वर्ब एक्शन एक्सप्रेस करता है मुख्तलिफ अंदाज से इसको मूड्स कहते हैं जो कि लैटिन लैंग्वेज के मोडस से निकला है जिसका मतलब है मैनर अंदाज तौर तरीका तो वर्ब का जो तौर तरीका होता है जो अंदाज होता है उसको इंग्लिश में मूड्स कहते हैं डेफिनेशन क्या है मूड इज द मोड और मैनर इन विच द एक्शन डोनेटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड वर्ब से जो एक्शन जाहिर किया गया होता है वो जिस अंदाज में नुमाइंदगी करता है जिस मैनर में करता है जिस मोड में करता है उसको मूड कहते हैं देयर आर थ्री मूड्स इन इंग्लिश इंग्लिश में तीन मूड्स होते हैं नंबर वन इंडिकेटिव मूड नंबर टू इंपेरेटिव मूड नंबर थ्री सब्जंक्टिव मूड तो सबसे पहले हम इंडिकेटिव मूड को देखते हैं इंडिकेटिव मूड इज यूज टू नंबर वन मेक अ स्टेटमेंट अ फैक्ट नंबर टू टू आस्क अ क्वेश्चन इंडिकेटिव मूड स्टेटमेंट बयान फैक्ट के बयान के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए इंडिकेटिव मूड इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल असलम टीचेस अस डेली और हाउ आर यू पहले सेंटेंस में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है और दूसरे में क्वेश्चन है ये इंडिकेटिव मूड है इंपेरेटिव मूड इंपेरेटिव मूड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड एन एग्जॉर्टेशन एन एंट्रीटी और प्रेयर इंपेरेटिव मूड में फिर कोई कमांड हुक्म होता है नसीहत होती है कोई दुआ या विश होती है फॉर एग्जाम्पल कम हियर कमांड है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एक एडवाइस है हैव मर्सी अपन अस और ये एक प्रेयर है ये इंपेरेटिव मूड में फिर वर्ब इस मैनर में इस मोड में यूज होता है जिसमें कमांड एग्जॉर्टेशन एंट्रीटी और प्रेयर एक्सप्रेस होता है नंबर थ्री सब्जंक्टिव मूड इज यूज टू एक्सप्रेस अ मेयर सपोजिशन ये एक मफरूजे के एक्सप्रेशन के लिए मफरूजे को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है सब्जंक्टिव मूड फॉर एग्जाम्पल इफ आई वर यू आई वुड प्रिपेयर फॉर टेस्ट यहां पे एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर किया जाता है फर्ज किया जाता है कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं टेस्ट की प्रिपेरेशन करता तैयारी करता यह सब्जंक्टिव मूड है वर्ब का जो कि महज मफरूजे को जाहिर करता है सब्जंक्टिव मूड इज यूज इन सर्टन फ्रेजेज वेयर इट एक्सप्रेसेज अ विश होप डिजायर इंटेंशन रिजोल्यूशन एटसेट्रा ये कुछ सर्टन फ्रेजेज है कोई खास फ्रेजेज है उनमें भी सब्जंक्टिव मूड का इस्तेमाल होता है ख्वाहिश के लिए उम्मीद के लिए डिजायर इरादा रेजोल्यूशन इन चीजों के लिए सब्जंक्टिव मूड का कुछ खास फ्रेजेज में इस्तेमाल होता है फॉर एग्जाम्पल गॉड ब्लेस यू God save the king. It is suggested that a road be built here. In तीनों sentences में subjunctive mood का usage, wish, hope, desire, intention या resolution के तौर पे किया गया है तो verb की तीन किस्म की हालतें तीन verb तीन किस्म के manner,
तीन किस्म के मोड, तीन किस्म के अंदाज में किसी भी सेंटेंस में यूज हो सकता है, जिसको इंडिकेटिव मूड और इंपेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड कहते हैं।